प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश अवहाड़ आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। गोकुलाष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस श्रावण मास में वद्यराष्टमी को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी अवसर पर गोपाल काला या दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम गोपाल काला अर्थात दही हांडी उत्सव के बारे में जानकारी लेते हैं। महाराष्ट्र और भारत के अन्य सभी राज्यों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। श्री कृष्ण बचपन में दही, दूध और मक्खन के शौकीन थे। दही को कृष्ण से बचाने के लिए मैया यशोदा दही का बर्तन किसी ऊंचे स्थान या शिखा पर रखती थी, लेकिन श्री कृष्ण वहां पहुंचने में सफल रहते थे। इसके लिए उनके दोस्त उनकी मदद करते थे। इस घटना की याद में हर जगह दही हांडी का त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो यह उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र का दही हांडी उत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में भी मुंबई का दही हांडी उत्सव जगत प्रसिद्ध है। दही हांडी के दौरान युवा एक टीम बनाते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं। त्योहार के दौरान विभिन्न मंडल दही से भरी हांडी रखते हैं। युवाओं का यह समूह दही हांडी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह एक तरह का खेल है जिसमें इनाम भी दिया जाता है। इस समय गोविंदा आला रे इन नारों से पूरा माहौल गूंज उठता है। भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग धार्मिक परंपराओं के अनुसार दही हांडी मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है। इस दिन मिट्टी के बर्तन में दही, मक्खन, मिठाई, फल आदि भरकर रखे जाते हैं। विभिन्न युवा समूह हांडी तोड़ने की कोशिश करते हैं। दही हांडी तोड़ने के लिए अलग अलग मंडलों के युवा एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर मानव मनोरा बनाते हैं। इस मनोरा की सबसे ऊपरी परत के व्यक्ति को गोविंदा कहते हैं। वो अपना संतुलन बनाए रखते हुए दही हांडी तोड़ता है। हांडी तोड़ने वाले मंडलों को विभिन्न उपहारों और इनामों से सम्मानित किया जाता है। लड़कों की तरह लड़कियां भी बहादुरी से परत दर परत हांडी तोड़ती हैं। दही हांडी नश्वर शरीर का प्रतीक है, अर्थात इस नाशवान शरीर को अध्यात्म की छड़ी से नष्ट करके भगवान के श्री चरणों में विलीन कर देना, यही दही हांडी उत्सव के पीछे का आध्यात्मिक तात्पर्य है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई है। इस तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।